तो हेलो गाइज़, वेलकम है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो भाई लोग, आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे स्टोर वाले सेक्शन में एक बिल्कुल ही न्यू बंडल आ चुका है। तो आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई लोग हमें ये वाला बंडल कैसे मिलेगा और आपको टोकन्स को कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बंडल आपको टोकन से भी मिलेगा और आपको मतलब क्रेट्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई लोग, मैं आप सभी को बताऊँगा कि आपको ये बंडल कैसे मिलेगा। ठीक है, तो भाई लोग, आप जैसे स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का बैनर आ जाएगा जिसमें लिखा है द मैजिकल डुओ करके। तो आपको यहाँ पे दो बंडल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बंडल आपको कैसे मिलेंगे, आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो भाई लोग, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना। तो भाई लोग, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको रिडीम वाले सेक्शन में जाना है और आपको पाँचवें नंबर पर मिल जाएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है प्रेस्टीज टोकन बी। ठीक है, हमारा प्रेस्टीज टोकन ए आ चुका था, अब ये इसका बी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अपना बंडल कुछ इस टाइप से होने वाला है। तो बड़ा मस्त बंडल लग रहा है, आप बताना कमेंट करके आप इसे निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो यहाँ पे देख लो, आपको एक टोकन में सुमन एयर ड्रॉप मिल जाएगा, चार टोकन में आपको यहाँ पे वेपन रॉयल डायमंड रॉयल वाउचर मिल जाएंगे और यहाँ पे देख लो पाँच मतलब आपको टोकन्स पे यहाँ पे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो 20 टोकन पे आपको यहाँ पे नेम चेंज कार्ड मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है। और यहाँ पे देख लो, आपको 60 टोकन में मेल का बंडल और फीमेल का बंडल देखने को मिल जाएगा। तो भाई लोग, आपको यहाँ पे जितने भी टोकन्स दिखाए गए हैं, आपको इतने टोकन्स पे ये रिवॉर्ड मिलेंगे। तो आपके बहुत ही ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि भाई हमें ये वाले टोकन कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो भाई लोग, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपको ये वाले टोकन कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो भाई लोग, आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है क्रेट्स वाले सेक्शन में। ठीक है, तो भाई लोग, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको टोकन्स कैसे मिलेंगे। और भाई लोग, मैंने लिखा है थंबनेल पे आपको अनलिमिटेड टोकन कैसे मिलेंगे, इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहना। और मुझे पता है आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो भाई लोग यहाँ से वीडियो को एक लाइक कर देना। तो भाई लोग, आपको क्रेट्स वाले सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे क्रेट्स को परचेज करना है। तो आपको डायमंड में मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, आपको इतना अच्छा बंडल मिल रहा है तो आपको इसके ऊपर डायमंड वेस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मतलब क्रेट्स को जैसे ही परचेज करोगे तो क्रेट्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख लो, आपको प्रेस्टीज टोकन देखने को मिल जाएगा और आपका जितना अच्छा लक रहेगा आपको उतने टोकन्स मिलेंगे। तो मतलब आपका लक रहेगा, अगर आपका लक रहेगा तो आपको एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, पाँच मिलेगा, दस भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको दस मिलेगा लगातार तो आपको छः क्रेट्स में आराम से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, अगर आपका क्रेट्स में बंडल निकल जाता है तो अब भाई आपका क्या ही लक होगा। ठीक है, तो किसी किसी का निकल जाता है, एक बार आप ट्राई कर लेना अगर आपके पास डायमंड है। तो बस भाई लोग, मैंने आपसे को बता दिया कि आपको टोकन कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आप इसे अनलिमिटेड कैसे कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है भाई लोग, आपको अनलिमिटेड कलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना। तो भाई लोग, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्रेट्स परचेज करके अभी रख लेना है। फिर रखने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको इसे जब मतलब वेस्ट करना है जब इसका इवेंट जाने वाला होगा। ठीक है, नहीं तो आपको तीन से चार दिन बाद मतलब इसे ओपन करना होगा क्रेट्स को, फिर देखना आपका ज़्यादा टोकन्स निकलेगा। ठीक है, और हो सका तो आपका बंडल भी निकल सकता है। तो भाई लोग, यहाँ पे देख लो अपना बंडल क्या ही खतरनाक लग रहा है। तो आपसे बताना कमेंट करके कि आपको कैसा बंडल लग रहा है। वेल, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो भाई लोग, यहाँ पे देख लो, मेल का बंडल कुछ इस टाइप से होने वाला है और फीमेल का बंडल भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, फीमेल का बंडल इससे अच्छा लग रहा है, मेल के बंडल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है फीमेल का बंडल। तो भाई लोग देख लो, भाई लोग बहुत ही मस्त लग रहा है। आपसे बताना कमेंट करके कि आप इसे परचेज करोगे कि नहीं करोगे। तो भाई लोग, मैंने आप सभी को बता दिया, अगर आपका क्रेट्स में परमानेंट निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। अदरवाइज आपका टोकन्स भी निकलता है तो आपका मतलब एक्सचेंज आराम से कर लोगे, ज़्यादा बड़ी टोकन्स है नहीं, 60 टोकन में आपका निकल जाएगा। तो भाई लोग, देखता हूँ मैं भी इसे निकालने का ट्राई करूँगा, मेरा एयर ड्रॉप आ चुका है। तो आपको सुबह वाली वीडियो में बताऊँगा कि आपको अनलिमिटेड एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा, तो उसे भी वॉच कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिर से एयर ड्रॉप आ चुका है। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही है, मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।